और हुन तुहानू दस दें कि SYL के मुद्दे से जो बैठक हो रही सी वह खत्म हो गई है। इस बारे की जानकारी जड़ी मिल रही है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ते पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान विचाले बैठक चल रही थी। SYL के मुद्दे नू लेके बैठक चल रही थी और की कुछ इस बैठक के विच होया है, की कोई सहमति बनी है, की चर्चा हुई है, यह भी तस्वीर साफ होएगी। लेकिन दस दिए कि जी बैठक चल रही थी तकरीबन 11:30 बजे अजय बैठक शुरू हुई चंडीगढ़ में। पंजाब से हरियाणा के CM ने इस बाबत जी है वो चर्चा की थी, जिस नाल तस्वीर भी बाहर निकल के आई हैं। तकरीबन 1.5 घंटे तक यह बैठक चली है। तो दस दिए कि हूँ यह बैठक मुकम्मल हो गई है। मुख्यमंत्री मान ते खट्टर सने दोहां सूबे के अफसर भी इस शामिल सन। चंडीगढ़ के भगवंत मान ते मनोहर लाल खट्टर ने चर्चा की है। सो सुप्रीम कोर्ट के हुक्मां ते इत्थे यह बैठक रखी गई सी। तकरीबन 1.5 घंटा यह बैठक चली है। तो दस दिए कि मीटिंग तो बाद भगवंत मान जो पंजाब के मुख्यमंत्री ने मीडिया के मुखातिब भी होंगे की कुछ जड़ा है इस बाबत चर्चा हुई है, कि पंजाब का स्टैंड रहा है, इस बारे वो जानकारी जड़ी है मीडिया नाल सांझी करेंगे। सो SYL का मुद्दा जो बेहद पकदा मुद्दा रहा है और पिछले 4 दहाकों तो उपर दा मसला जिसनों लैके लगातार सियासत भी होंदी आई है। तो अज इस लैके अहम बैठक सी, हरियाणा के मुख्यमंत्री तो पंजाब के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल रहे, अफसर भी जड़े ने वो भी इस मीटिंग में मौजूद सन। तो तकरीबन 1.5 घंटा अज SYL के मुद्दे से चर्चा हुई है सुप्रीम कोर्ट के हुक्मों से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया तो दोहां सूबों को यह सलाह दी कि आपस में मीटिंग करके सलाह करके इस मसले का हल किया जाए। तो मीटिंग के बाद हूँ भगवंत मान मीडिया के मुखातिब भी होंगे, जिस तो बाद तस्वीर साफ होगी कि पंजाब का की स्टैंड है। क्योंकि मीटिंग शुरू होने तो पहला ही खासा बवाल भी मचता दिखाई दिया, क्योंकि विरोधी लगातार पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से निशाना साधते इतने नजर आए सन। अभिषेक साढ़े नाल जुड़ चुके हैं। अभिषेक, की कुछ जानकारी आ रही है, मीटिंग मुकम्मल हो गई है? हाँ बिल्कुल, देखो राधा, मीटिंग जी हमने खत्म हुई है। दोनों मुख्यमंत्री जे हरियाणा निवास च मौजूद ने, ते कुछ ही देर बाद जे हरियाणा का मुख्यमंत्री जे मीडिया के सामने आएंगे ते गलबात जी जानकारी देंगे। उधरों जे पंजाब के मुख्यमंत्री आ जे भगवंत मान, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जोड़ा है कार्यक्रम रखा हुआ है। तो हूँ कुछ ही देर बाद जे जे पहली मंजिल से हरियाणा निवास से दोनों मुख्यमंत्री बैठे ने, वो कुछ ही देर बाद जे नीचे आने तो हरियाणा के मुख्यमंत्री जे बैठक की गलबात हुई है, किस मुद की रिजल्ट निकलिया और कि विषय जे सहमति बनी। SYL का जरा पता सारू की बहुत वड्डा मुद्दा है दोनों सेटा वास्ते, ते लंबे समय तो जड़ा है ये मुद्दा विचकार खड़िया है। तो सुप्रीम कोर्ट के जे सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद केंद्र सरकार के वलों जो किया गया कि दोनों स्टेट आपस बैठन से कोई यदा रिजल्ट कढ़न, तो 19 जनवरी जोड़ा एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से यदि तरीक हैगी है, तो दोनों सरकार ने अपना अपना पक्ष रखना, तो उस करके आज ये मीटिंग सी। लेकिन कुछ ही देर बाद जरा मीटिंग तो की निकल के आता जो पर्दा है वो हटता नजर आएगा जी राधा। बिल्कुल, इसलिए थोड़ा जहा इंतजार जरूर करना पड़ेगा। लेकिन मीटिंग शुरू होने तो पहला भी असं देखा कि खासी सियासत होंगी नजर आई, विरोधी जड़े ने आगू पार्टिया के और निशाना साधते भी नजर आए हैं, क्योंकि इतने स्टैंड की कुछ पंजाब का रखा गया मुख्यमंत्री भगवंत मान वालों, ये हाले तक तस्वीर साफ नहीं हुई है। हालांकि हरियाणा के मुख्यमंत्री वालों जो बीते दिन बयान दिता गया उसको लेकर सवाल जरूर चुके गए। बिल्कुल, देखो साफ तौर से मुख्यमंत्री हरियाणा ने कहा था कि पहला नहर बनाने की गल है, उसके बाद पानी की गल है, और पानी से घट भी है या जिन्ना भी है असी तो सहमत हाँ, असी वंड के काम चला लेंगे, चाहे पंजाब और हरियाणा दोनों वंड के काम चला लेंगे, क्योंकि लंबा समा हो चलिया डार्क जोन च तब्दील हो वड्डा हिस्सा जिहड़ा हरियाणा का होंदा जा रहा है। 150 करोड़ रुपया जिहड़ा जहरा 1.5 लाख मतलब 150 करोड़ हर साल का जिहड़ा खर्चा जिहड़ा है हरियाणा सरकार वहन करती है, जिहड़े नहरी पानी ते दूजा जिहड़ा ट्यूबवैल कनेक्शन से और बिजली मुहैया कराने वास्ते किसानों तो जेगा, तो ये जिहड़ा खर्चा ये बचेगा। और 130 करोड़ टन जिहड़ा अनाज है वह फालतू हरियाणा के किसान जिहड़े उगा सकणगे, क्योंकि हुण पानी की कमी है, वड्डा हिस्सा दक्षिणी हरियाणा का जिहड़ा डार्क जोन च हुंदा जा रहा है, पानी जिहड़ा है बहुत ही गहरा हुंदा जा रहा है। इस करके जिहड़ी हरियाणा सरकार की एक खास डिमांड है कि पंजाब सरकार जिहड़ा है उसके हिस्से का जिहड़ा पानी दे, और जिन्ना मर्जी पानी घटता होवे लेकिन उसका वंड करके उसे चर्चा करके आपसी सहमति बना के सानू जिहड़ा है पानी दिता जाए और उस तो पहला जिहड़ी है SYL का निर्माण किया जाए जी। बिल्कुल, रविंदर मीत भी साडे नाल जुड़े हुए हैं जो सवेर तो इस मीटिंग बारे अपडेट दे रहे हैं। सो रविंदर, मीटिंग जिहड़ी है मुकम्मल हो गई है, लेकिन हाले तक जिहड़ा है स्थिति इस नूं लैके साफ नहीं कि पंजाब का की स्टैंड इस मीटिंग दे विच रहा है, मुख्यमंत्री ने की स्टैंड रखा।
बिल्कुल कुछ ही मिनटों के पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान स्टैंड साफ करेंगे कि आखिरकार उन्होंने मीटिंग के अपना की पक्ष रखिया, की जानकारी दी, की गलबात हुई, हरियाणा वालों किहड़े-किहड़े पॉइंटों से गलबात की, मंगा रखिया गई हरियाणा वालों, ये तमाम चीजें कुछ ही देर के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री जनता के सामने रखेंगे, क्योंकि विरोधी धिर लगातार गलबात कह रहे थे कि पंजाब के कोल पानी नहीं है, एक बूंद भी पानी देने के लिए नहीं है, पंजाब की वो कंडीशन हुण नहीं हैगी जी 40-45 साल पहला जिन्ना पानी 40-45 साल पहला पंजाब को उन्ना पानी पंजाब को नहीं है, तो फिर एस वाई एल बनाने की तो गलबात ही नहीं उठती। जो गलबात हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कही है कि असी एस वाई एल बनाने की मांग रखा कि एस वाई एल बनाओ, पानी की बाद गल करा, तो हूँ पंजाब के मुख्यमंत्री स्पष्ट कर देंगे कि आखिरकार वो की अपना जरा तर्क के गलबात करके आए हैं। कुछ ही मिनटों के प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है, पंजाब भवन के प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई है, एक दो मिनटों के मुख्यमंत्री पहुंचन, कहते मीडिया के सामने तमाम चीजा जीडिया मीटिंग के हुई वो रख। बिल्कुल, की कुछ स्टैंड रहा है मुख्य मंत्री साफ यकीनन करेंगे, लेकिन इतने ना सिर्फ सूबे की जनता बल्कि विरोधी पार्टियां दे आगुओं वालों भी नजर जड़ी है इस मीटिंग ते बनी हुई, क्योंकि इस मीटिंग दे शुरू होने तो पहला ही असी देखा किस तरह दे नाल बयान आए, मुख्यमंत्री भगवंत मान नूं नसीहत भी दी गई, अरविंद केजरीवाल के कहण ते ना चलण की नसीहत दी गई, अजय विचकार की फैसले, हालांकि असी लगातार कह रहे कि एक मीटिंग विच कोई फैसले नहीं ले जा सकते, लेकिन किस ट्रैक ते है पंजाब सरकार, यह जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, देखो ये जी मीटिंग हैगी महज एक खाना पूर्ति होएगी, क्योंकि ये बहुत वड्डा सब्जेक्ट हैगा पंजाब के लिहाज के नाल, दो स्टेटों का कंफ्लिक्ट हैगा जिहड़ा लगातार पिछले 4-4.5 दहाकों तों लगातार चलता आ रहा, एक मीटिंग के गलबात सिरे चढ़ना ये मुमकिन नहीं लग रहा, लेकिन ये मसले उत्ते विरोधी जरूर घेर रहे हैं सरकार को, अकाली दल का इस मसले के उत्ते लंबा चौड़ा तजर्बा है, अकाली दल इस मसले के उत्ते काम कर चुके, संघी ढांचे के लिए लड़ाई लड़ चुके, तो उन्होंने वालों एक सुझाव दिता, क्योंकि तो लंबे चौड़े तजर्बे होने के नाल पंजाब की रग रग उन्होंने जानन दे करके उन्होंने पता है कि यह मसला कितना सेंसिटिव मसला है, इस मसले का इन्नी जल्दी हल हो सकता या नहीं हो सकता, या कल की करनी चाहिए है, कि जे पॉइंट है वो सब तो पहला सीएम रखने चाहिए, तो सुझाव दिए गए। नाल ही नाल एक गल यह भी कही गई है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के दबाव के थले पंजाब के मुख्यमंत्री ना आन, क्योंकि दिल्ली की जो सुप्रीम कोर्ट के अरविंद केजरीवाल उन्होंने वालों एक हलफनामा दिता गया, जिस उन्होंने साफ तौर पर जिक्र किया कि पानी हरियाणा मिलना चाहिए, तो यह जी चीज हैगी उन्होंने वालों सीधे तौर पर कही गई थी, क्योंकि हरियाणा पानी मिलेगा तो नाल दिल्ली भी मिलेगा, तो इस करके उन्होंने अपनी स्टेट का या नेबर स्टेट का भी सोचा, तो इस ऐसे माहौल के पंजाब के मुख्यमंत्री का की स्टैंड रहेगा, इस तरीके गलबात करेंगे, क्योंकि दिल्ली के आम आदमी पार्टी की सरकार है, पंजाब के आम आदमी पार्टी की सरकार हैगी है, तो दिल्ली के सटे हरियाणा है, अगर हरियाणा एस वाई एल का पानी मिलेगा तो दिल्ली भी नाल ही मिलेगा, तो यह चीजा जी है श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल वालों कही गई कि किसी तरीके से दबाव के नहीं आना, नाल ही नाल पंजाब के हकों की गल पुरजोर तरीके रखनी हैगी हरियाणा के मुख्यमंत्री के सामने, क्योंकि मीटिंग हरियाणा वालों ऑर्गेनाइज की गई है, सुप्रीम कोर्ट के कहने से ऑर्गेनाइज की गई है, पंजाब से हरियाणा दोनों स्टेटों वालों 19 जनवरी 2023 अपना अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट के दाखिल कराना, तो यह तमाम चीजा जी है एक लंबा सब्जेक्ट है, अज एक मीटिंग के उस मसले का हल हो जाए या हल कढ़न के लिए नेड़े होया जाए यह संभावित नहीं लग रहा, हालांकि हुण देखना होएगा मुख्यमंत्री बड़ी चीजों स्पष्ट कर सकते हैं, कुछ ही देर के आने स्पष्ट करे कि आखिरकार मीटिंग के होया की है, क्योंकि दो घंटे का वक्फा भी कोई छोटा वक्फा नहीं है, दो घंटे के बहुत सारिया गल् कही जा सकती हैं, मुख्यमंत्री के मूँह एक एक निकली गल जी है पंजाब से प्रभाव पा सकती है, इस करके विरोधी पार्टियों वालों लगातार यह मंग भी रखी गई कि एक सर्व पार्टी मीटिंग बुला के इस मसले के उत्ते चर्चा करनी चाहिए पंजाब के मुख्यमंत्री, क्योंकि यह मसला सिर्फ किसी राजनीतिक पार्टी के नाल या कली सरकार के नाल जुड़िया नहीं है, यह पंजाब के हर एक बिल्कुल पंजाब दे नाल जुड़िया, पंजाब दी आवाम दे नाल जुड़िया, किसाना दे नाल जुड़िया ए मुद्दा है, जिथे कि इस वेले पंजाब दे विच पानी दा जो पद्धर है वो किस तरह दे नाल हेठां जा रहा है, मुश्किलां जिहड़ियां ने
ਉਹ ਖੜੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਆਗੂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਣੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਏਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਹੜੇ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੁਝ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਰਣਨੀਤੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਣਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸੋ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰਵਿੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੋ ਰਵਿੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਕਿਸ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ 5 ਦਹਾਕੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਬੇਹੱਦ ਹੋਈ ਹੈ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੁਬਹ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲਣਗੇ ਜੋ ਵੀ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੋਏਗੀ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੇਹੱਦ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੇਲਿਆ ਹੈਗਾ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਸਦੀ ਜੜ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਬਣਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੀ 4-5 ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟਾਸਕ ਹੈਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜਾਦੂਗਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜਾਦੂਗਰੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਸੈਂਟਰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੀਕਰ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਇਹ ਜੇ ਕਿ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਦੀ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੰਜ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਅਜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਰਵਿੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵੇਲਾ ਵੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਆ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫਸੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਬਾਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਤਾਂ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇਸ ਬਾਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਏਗਾ ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਾਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ ਜੋ ਸਟੈਂਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟਲੀ ਸੌਂਪੀ
हरियाणा के सामने चीजा रखना चाहिए। सिर्फ एक महज इलेक्शन लैके सिर्फ यह सोचना कि सियासी नुकसान ना हो जाए तो पंजाब के हित गहने नहीं रखे जा सकते किसी चीज के सामने। यही गल विरोधी धिर भी लगातार कह रही मैं पहला भी जिक्र किया कि अकाली दल वालों लगातार इस मसले के उत्ते संजीदगी गंभीरता दिखाते हुए क्या गया सलाह दी गई है कि इस मसले को संजीदगी गंभीरता लैके मुख्यमंत्री हर शब्द सोच समझ के हरियाणा सरकार के सामने बोलन, क्योंकि असं पहला भी जिक्र कर रहे हैं कि एक एक शब्द बोलिया सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड के जाना रिकॉर्ड के गल दसी जाएगी कि हरियाणा वालों की कहा गया तो पंजाब वालों की कहा गया। अगर एक शब्द भी कोई गलत हो जाता तो पंजाब का बहुत वड्डा नुकसान आने वाले समय के हो सकता है। तो इस गंभीरता लेंदे हुए क्योंकि पहला तो लगातार आरोप लगते आए हैं कि संघी ढांचे के उत्ते सीधा अटैक करने की कोशिश की गई है सेंटर सरकार वालों। हुण भी अगर जबरी पंजाब तो पानी लैण की गलबात की जाती है या फिर ऐसा कोई फरमान सुनाया जाता जिसे कहा जाए कि एसवाईएल बनाओ तो पानी दो तो सीधे तौर पर एक संघी ढांचे से भी इस वार समझा जाएगा, क्योंकि पहले ही चंडीगढ़ के उत्ते हक लगातार पंजाब जिता रहा जिदे से भगवंत मान वालों मुख्यमंत्री वालों एक ट्वीट किया गया कि सानू भी एक अलग अपनी जगह दी जाए विधानसभा के लिए हाई कोर्ट के लिए, तो बड़ा कंडेम किया गया विरोधी पार्टियों वालों की पंजाब की जी विधानसभा हैगी है चंडीगढ़ में जो वो साडा हैगा असी उस हक में क्यों जरा है छड़ रहे हैं जी। फिर जो हाई कोर्ट हैगा उससे भी साडा हक हैगा उस हक में असं क्यों छड़ रहे हैं। तीन चीजा जी है पिछले दिनों के नुकसान किया इन चीजा ने पंजाब को तो हूँ किसी भी तरीके की ऐसी स्टेटमेंट देकर पंजाब का नुकसान ना कराया जाए। ये गल विरोधी धिर भी कह रही है क्योंकि ये सियासत तो उपर का मसला है, ये सियासी मसला नहीं है, ये आने वाली नस्लों और पंजाब की फसलों का मुद्दा है जिन्हों जो है संजीदगी के नाल हैंडल किया जाना चाहिए पंजाब सरकार। बिल्कुल, सो इस वेले तैयारी जड़ी है हुन प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो रही है, तस्वीर तुम वो भी देख रहे हो एक पास, क्योंकि मीटिंग जी मुकम्मल हो चुकी है तो मुख्यमंत्री भगवंत मान मीडिया के मुखातिब होंगे। दस दिए कि सुप्रीम कोर्ट के इंटरव्यून तो बाद ही है जी मीटिंग हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने चार महीने का समा दिता, सो दस दिए कि बैठक के सहमति नहीं बनी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री वालों बयान जरूर सामने आया कि सहमति कोई नहीं बनी, जिससे कि क्या पहले ही लग रहे सन कि एक मीटिंग तो वैसे भी, क्योंकि बहुत वड्डा ये जरा मसला है, बहुत गंभीर यह मसला है, सो इस बाबत जरा है सीधी सुप्रीम कोर्ट में भी असी अपनी राय रख सकते हाँ। सो एस वाई एल की उसारी से पंजाब हरियाणा में सहमति नहीं बनी है, सो इस वेले की वड्डी अपडेट मीटिंग जी है तकरीबन डेढ़ घंटा चली है, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का जो बयान जरूर सामने आ चुका है जिन्हों का कहना है कि सहमति नहीं बनी है। 1981 तो लैके हूँ तक यह विवाद चल रहा है, ये हरियाणा के मुख्यमंत्री का जो बयान सामने आया, पंजाब के मुख्यमंत्री ने हले प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, आखिरी गेड़े सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के हक में फैसला दिता, जनवरी 2023 विच है मामले की अगली तरीक, लेकिन आखिरी गेड़ में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के हक में फैसला दिता, जनवरी 2023 के अगली तरीक है, लेकिन उस तो पहला क्योंकि कोर्ट का यह कहना सी कि आपस दे विच मिलके गल करके मसले का हल कढ़ लो, लेकिन दस दिए कि अज जड़ी मीटिंग हुई है, हालांकि क्या से पहला ही सन कि मैं खाना पूर्ति ही रहने वाली है, क्योंकि पंजाब का अपना स्टैंड जोड़ा है वह है कि साढ़े को पानी है ही नहीं देने, हरियाणा के जोड़े मुख्यमंत्री उन्होंने कहा कि असा उसारी की गल कहनी है, लेकिन पंजाब इससे गल करना ही नहीं चाहता। यह जड़ा है हरियाणा के मुख्यमंत्री का बयान सामने आया, तो कोई भी सहमति इस मसले को लेके नहीं बनी है, यह हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जड़ा बयान सामने आ चुका है। दस दिए कि यह मीटिंग जी है तकरीबन डेढ़ घंटे चली है, हालांकि बैठक के विच किसी भी तरह की सहमति नहीं बनी है, यह भी तस्वीर साफ कर दी है खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। मीटिंग की रिपोर्ट केंद्रीय जल स्रोत मंत्री को सौंपांगे, सो इस मीटिंग की रिपोर्ट जी है वो हुण केंद्रीय जल स्रोत मंत्री नूं भी सौंपी जाएगी, सीधी रिपोर्ट कोर्ट विच भी रख सकदा है अपनी राय, लेकिन इत्थे एक बार फिर असीं कह सकते हैं कि टकराव की स्थिति इस वायल दे मुद्दे नूं लैके नजर आई है, क्योंकि बैठक जरूर हुई। अज एस वाई एल दे मुद्दे ते दोनों राज्यां दी पंजाब ते हरियाणा दी मुख्यमंत्री पद्धर की मीटिंग सी जिदे विच अज डिस्कशन काफ़ी लंबी हुई। मैं अपने सारे ऑफिसर साहबान
जिन्हां दे विच प्रिंसिपल सैकटरी इरीगेशन कृष्ण कुमार जी, पंजाब दे एडवोकेट जनरल विनोद कई जी, वेणु प्रसाद जी, होर भी स्पैशलिस्ट जिहड़े साडी टीम दा हिस्सा सी। मैं बहुत होमवर्क किया पिछले कई दिनों तो, नॉट ओनली ऑफिसर साहबान नाल बल्कि कुछ सीनियर, बहुत ही सीनियर पत्रकार साहबान जिन्हों पानिया बारे बहुत नॉलेज है, वो एडिटोरियल लिखते रहे ने, किताबा लिखिया ने उन्होंने, होर भी वख वख वर्गों के सीनियर लोग जिन्होंने पंजाब नू बनते देखिया, पंजाब ते हरियाणा की वंड देखी। अज मैं बहुत स्ट्रोंगली, बहुत ही तत्थां ते आधारित पक्ष जिहड़ा पंजाब दा रख्या, इस तो पहला दुख नाल कहना पै रहा इस तरह का पक्ष नहीं रख्या गया। SYL जिहड़ी है शुरुआत उहदी हुंदी है जदों अकाली दल दी सरकार सी ते प्रकाश सिंह बादल देवी लाल जी नूं सर्वे करन दी इजाजत दे दिंदे ने। उस वेले रौला भी पैंदा है, उस तो बाद राजीव लौंगोवाल समझौते दे विच SYL दे क्लॉज ने, उस तो बाद फिर टौड़ा साहब ने कहा भी ये राजनीतिक तौर पर आपां नहीं करना, फिर रुक गया। उस तो बाद 1981 का जिहड़ा समझौता सी SYL दा, '96 च सुप्रीम कोर्ट गया हरियाणा, 2002 च फैसला सुनाया सुप्रीम कोर्ट ने, बाद दे विच कैप्टन साहब की सरकार सी तां पंजाब टर्मीनेशन ऑफ एग्रीमेंट्स एक्ट 2004 लागू करता जी, कि सारे समझौते रद्द ने जी पाणी नूं, कांग्रेस की सरकार सी, सेंटर च भी कांग्रेस की सरकार सी। इस एक्ट नू राजपाल ने मंजूरी देती, गवर्नर ने मोर लाती। अब मैं तुहानू सारा समझाऊंगा, लोगों को पता लगना चाहिए की है। तां इस एक्ट बनने तो 6-7 महीने बाद हरियाणा की इलेक्शन सी, तां कांग्रेस सरकार ने, सेंटर की सरकार ने आपदी ही सरकार का, पंजाब सरकार का जिहड़ा एक्ट सी ओह राष्ट्रपति जी को भेजता कि सानू इहते सलाह दिओ। राष्ट्रपति जी ने सलाह लैण लई सुप्रीम कोर्ट कोल भेजता, मतलब यह कि साडियां इलैक्शनां लंघ जाणगियां, असीं हरियाणे दे लोकां नूं कहांगे नहीं 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 तुहानूं भी असीं ऐं करांगे। सो राजनीतिक जिहड़ा फैसला सीगा 2016 दे विच 12 साल लग गए, सुप्रीम कोर्ट मानयोग ने कहा कि दोने राज आप बह के गल कर, फिर उस तो बाद दोनों राज्यों दी मुख्यमंत्रियों दी मीटिंगां हुई, कोई नहीं निकलिया, चीफ सैकटरियों दी मीटिंगां हुई, कोई नहीं हल निकलिया। तो जिहड़ा हुण इस वक्त जो अज गल हुई है, आम तौर पर जिहड़े समझौते ने, जिन्हें भी समझौते ने पाणियां दे, उहदे विच इक क्लॉज हुंदा है कि 25 साल बाद असीं रिव्यू करांगे, क्लाइमेट चेंज हो गया, पहाड़ खिसक गए इधर उधर, पानी घट वध जांदा है। ये 1981 वेले का जिहड़ा SYL वाला, इहदे कोई 25 साल वाला नहीं पाया होया, यानी कि 41 साल पहला वाला समझौते ते उह कहिंदे अमल करो। इस वक्त एक बहुत होर दुखदायक गल है, जदों यूनाइटेड पंजाब सी, पंजाब ते हरियाणा सांझे सी, तां यमुना जिहड़ा सी, यमुना दा पाणी उहदे पंजाब दा हिस्सा सी,
तो जदों 66 दे विच पंजाब बन गया, हरियाणे का तो जमना हिस्सा रह गया साडा जीरो। फिर जे यमुना च साडा हिस्सा नहीं तो सतलुज ते ब्यास दे विच कित्थों पानी दे दिए सी, पानी जो पानी नहीं है साडे कोल इस वक्त। मैं तो उन्होंने यही कहा, देखो रावी ब्यास 1981 अनुसार 4.22 MAF मिलियन एकड़ दे नाल गिणा जांदा है, मिलियन एकड़ फीट। 4.22 पंजाब कोल है, 3.5 हरियाणे कोल। सतलुज का पानी 8.02 पंजाब कोल, 4.33 हरियाणे कोल। यमुना 0 पंजाब कोल, 4.65 हरियाणे कोल। शारदा यमुना लिंक 0 पंजाब कोल, 1.62 हरियाणा। साढ़े कोल बनता टोटल 12.24 मिलियन एकड़ फीट पानी। तो हरियाणा हालांकि रकबा भी घटा साढ़े, उन्होंने को 14.10, तो पहली उन्होंने को साढ़े नालों ज़्यादा पानी है। इस तो अलावा हरियाणा च घग्गर, टांगरी नदी, मारकंडा नदी, सरस्वती नदी, चोटांग, रक्षी, नई नाला, साहिबी नदी, कृष्णा दाउन, लंडोहा, उन्हों का भी 2.70 मिलियन एकड़ फीट पानी उन्हों को हैगा, जिन्हों जिन्हों किसी खाते च नहीं पाया जाता। अज असी हरियाणे नूं यह पक्ष रखे है, हरियाणा कहिंदा भी SYL का निर्माण शुरू करो। असी कहा जी जो साढ़े कोल पानी है नहीं, नहर कहदे वास्ते बनाउणी है? साडे पानी का रिव्यू कर लो, अज किन्ना रह गया साढ़े कोल? 1981 वेले की गल होर है, मेरे बहुत सीनियर पत्रकार खड़े ने, 1981 वेले 5-7 फुट ते बोर लग जांदा सी, पानी आ जांदा सी। हुण 600 फुट ते चले गया, थले थले धरती वाला पानी भी खत्म कर लिया। असी यह कहा कि हरियाणे नूं जे पानी की घाट है, हरियाणे के लोगों को पानी चाहिए सिंचाई वास्ते जां जिहड़े मर्जी इस्तेमाल वास्ते, तां पंजाब ते हरियाणा दोनों स्टेटां प्रधानमंत्री जी कोल चलदे, नरेंद्र मोदी जी कोल, उन्हां नूं दस दिंदे आ। तो नरेंद्र मोदी जी हरियाणे वास्ते कोई यमुना चो या गंगा चो उधरों प्रबंध कर देन, साढ़े कोल पानी है नहीं। असी कोई दुश्मनी नहीं साड़ी, पर जदों जिहड़ी चीज़ साढ़े कोल है ही नहीं, वो कित्थों दे दीए? ते नाल प्रधानमंत्री जी क्योंकि सारा मुल्क देखते ने, सरकार हरियाणे दे विच भी उन्हां दी पार्टी दी है, असी दोने राज प्रधानमंत्री जी कोले जाइए, तो उन्हां नूं कहिए जी हरियाणे नूं पानी किधरे होर पास्यों दे दो, जे यमुना दा पानी जिहड़ा उह शारदा नदी राहीं जांदा है तां उहदे चों दे दो, पर सतलुज ते ब्यास हुण दरिया भी नहीं कह सकदे, वी नदियां बन गईआं। पहलां पंजाब दा नाम इस तों पहलां पंचनाद हुंदा सी, पंज नदियां, फिर पंजाब बन गया दरिया, अज फिर साडीआं जिहड़े दरिया ने उह नदियां बन गईआं। साढ़े कोल जिस वेले समझौता होया सी उस वेले, ये तुहाडे कोल डाटा जी सर, किन्ना पानी सी ते अज किन्ना? 18.31 सर, 18 पॉइंट जिस वेले है सर, 18.36 सीगा सर, 12.38 रह गया। 18.36 सीगा जिस वेले ये एग्रीमेंट 81 च होया, 18.565 18.56 MAF सीगा। हुण साडे कोल जिहड़ा लेटेस्ट है 12.636 है। हुण उस वेले दे एग्रीमेंट नूं असी हुण किवें लागू कर सकते? असी हरियाणे नूं फिर कहने
कि छोटे भाई के तौर पर ट्रीट करते हैं, पर जिहड़ी चीज़ साडे कोल है नहीं असीं किवें बना दईए। वह कहिंदे जी पानी बाद देख लाँगे, पहला नहर बनाओ। नहर कहदे वास्ते बनती है? पानी वास्ते। पानी है नहीं। असीं कहा जी पानी का तो पहले रिव्यू करा लो कि हुण साडे कोल किन्ना है। एक दे विच होर पॉइंट है, पंजाब सिर्फ 23% सिर्फ जिहड़ा साडा कैनाल सिस्टम है 27% जिहड़ा पंजाब है वह नदियां नहरां ते नालियां दा पानी इस्तेमाल कर रहा है। 73% पानी पंजाब धरती तो थलों कढ रहा है। सो एवें बाहरों कहण नूं ही है कि पंजाब है उत्थे दरिया वगदे ने। साडा कनाल सिस्टम पार्टीशन तो पहलां दा 1400 किलोमीटर साडियां नदियां बंद हो गईं। 1400 किलोमीटर नहरां नदियां बंद हो गईं। ते जेड़े कहंदे सीगे ऑल पार्टी मीटिंग रख लो, साडे नाल सलाह करके जायो, देखो कि गलत फैसला ना कर लूँ, किहदे किहदे नाल रखदा मैं ऑल पार्टी मीटिंग? अकाली दल ते कांग्रेस नाल, ते उहनां दे तां कंडे बीजे होए ने। आ इनविटेशन कार्ड छपिया जी 8 अप्रैल 1982 नूं 9 बजे दा सद्दा पत्र है च, ट्रिब्यून 8 अप्रैल 1982 दा ट्रिब्यून है। इंदिरा गांधी और कैप्टन अमरिंदर सिंह की फोटो है बतौर MP पटियाला। इहदे विच की कह रहे ने इनविटेशन च, ओह कि प्रधानमंत्री जी आ रहे चांदी की कही नाल टक लावांगे कपूरी, ये कहंदे ने। तो कल वो ट्वीट कर रहे थे मैनू पुछ के जायो कि गलत फैसला ना कर लियो। सो इतों सिद्ध होंदा है सिर्फ इन्होंने राजनीति वास्ते SYL नू वरते है। तो साडे कोल BBMB का मुद्दा सी चक्या कि तुहाडे अफसर तुहाडे ते साडे दोनों का हिस्सा बराबर उत्थे होना चाहिए, तो सेंटर नू क्यों दे जाने आपां? इस गल ते उन्होंने सहमति की है कि हाँ हाँ जी, उन्होंने कहा कि BBMB दे विच मैंबर्स उन्हां दा मैंबर इरीगेशन होंदे, साढ़े पावर होंदे, साडा पावर दा मैंबर होंदा है बिजली बोर्ड वालों, उन्हां दा इरीगेशन दा होंदा है जी। BBMB वाला क्लीयर है कि असी कहा भी साडा बिजली दा उत्थे मैंबर होंदा है बिजली बोर्ड दा, इन्हां दा इरीगेशन दा होंदा है, तुसीं क्यों नहीं आपां उत्थे अपना हिस्सा जिहड़ा रखदे? आपां क्यों दे जांदे आ कि तुसीं आ जाओ जां तुसीं साडे डैम ते कोई कंट्रोल करो? सो ये मुद्दा भी उठाया। फिर लसाड़ा नाला है जिहड़ा कि मलेरकोटले बिजली जांदा होया पथराले जाके सरसे दे नेड़े जाके इन्हां दे डब वाली दे नेड़े जाके टच करदा, उत्थों इन्हां ने बंदी कर रखिया अग्गों, वो सारा ओवरफ्लो होंदा जी। इस तरीके घग्गरदा घग्गर एक डैम बना लिया कछलिया, हुण कहिंदे दो होर बनाउणे आ। असीं कहिंदे किवें बना लोगे? साडे वास्ते घग्गर जिहड़ा है वह कोई हड़ां दा जरिया थोड़ी है, घग्गर दे आले दुआले खेती भी हुंदी है। असीं बनूड़ तो अपनी जिहड़ी नहर कढ़ी है वह घग्गर दा पानी जाऊगा। सो जिहड़ियां गल्लां ते तां असीं लड़दे हां वह कहिंदे साडे लई तां इह कर दो, तुहाडे लई नहीं। तो बाकी उन्होंने हांसी बटाणा की गल की, वह सुप्रीम कोर्ट च है केस, उस स्टे मिली हुई है पंजाब नू जिहड़ी समाणे दे नेड़े इन्होंने कढ़ी है। सो असी उते सहमति नहीं दित्ती कि असी हांसी बटाणा नू अलाउ कर दिए कि वह पानी लै लैन साडा उतों, हालांकि जाता अगे भाखड़ा राही अगे, पर साडे पिंड तो बांद पैंदे ने हांसी बटाणा तो, साडा दा है जिहड़ा हैडवर्क से फेल हो जूगा उतों, जिहड़े पातलां दे शतराणा दे पटियाले जिले के पिंड पैंदे ने अगे
जिहड़े टुहाने तक जांदा है खनौरी दे। सो अज इस मुद्दे ते पंजाब ने क्लीयर कट के असी नदी नहर नहीं बना सकते, डी नोटिफिकेशन हो गई उहदी जमीन दी, लोगों नू जमीन भी बहुत सारे नू मिल गई, उत्थे खेती कर रहे ने, वैसे जंगल बन गया। सो साडे कोल पानी है नहीं, नहर बनाउण दा फिर सवाल नहीं पैदा हुंदा। हाँ इन्ना कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी कोल चलीए दोनों राज कि प्रधानमंत्री जी हरियाणे नू पानी दा प्रबंध करके दिओ, जिहड़ा गंगा जा यमुना दा जिहड़ा पानी है वो बिहार नू उधर बंगाल नू डोब भी दिंदा, बंगलादेश तक जांदा, वो चो इधर नू मोड़ लो ते हरियाणा जिहड़ा उहनू भी पानी मिल जूगा। तो साडा जिहड़ा असी तां बहुत मुश्किल नाल कम सार रहे हां अपना, तो कोशिश असी कर रहे हां, असी राजस्थान नू भी पूरा पानी दे रहे हां। सो सानू तां चारे पास्यों मतलब सानू पानी पानी अच्छा जदों कोई डैम तो पानी थोड़ा वध जांदा है दंगल वगैरह वो डैम तो पानी छड़ते हैं, जद बरसात हो जाए तो दोनों स्टेटा कहें धन्यवाद जी साढ़े को तो बहुत पानी इधर ना छड़ो, मतलब डुबण लिए असी रखे हुए हैं। सुख वेले मतलब सातों पानी मंगते, दुख वेले कहें नहीं जी साढ़े को है बहुत है। सो इस करके 1981 दे 1955 दे इस समझौते ने, बल्कि यह 1921 का कलॉज ने, यह 100 साल पहला देने 100 साल पहला 1921 तो 1960 का फ्लो जोड़ा सी वो भी इस गिणिया गया है। सो इस करके आज पंजाब वालों मैं पंजाब के 3.25 करोड़ लोगों और जिन्नी भी पंजाबी दुनिया वसते हैं तुहाडे जरिए दसना चाहना, ये मेरा फर्ज है पंजाब का पक्ष जोड़ा एक तत्थां ते आधारित होमवर्क करके टिप्स ते याद है ते किताबां पढ़ के पुराना रिकॉर्ड चक के एक्सपर्टां नाल गल करके असी उत्थे पक रखे है। ते अगे हुण जो भी फैसला जिहड़ा वाटर कमीशन है उहनू असी भी रिपोर्ट आपां दे देनी है। ए जी साहब थोड़ा जिहा कानूनी मुद्दे ते एक 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 प्रधानमंत्री बुला लेन उन्होंने आपने डिस्कस किया होगा कि कोई ऐसा फार्मूला है कि इससे प्रधानमंत्री को दसांगे जी। नहीं फैसला देखो असी ये कहा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2017 च ये कहा सी जे कोई एमिकेबल सैटलमेंट हो सकती है दोनों पार्टीज़ से दैट शुड ऑलसो बी कंसिडर्ड, इस करके दोनों पार्टीज़ बैठिया सी डिस्कस कर ली। वो इदा 9.1, 9.2, 9.3 क्लॉज हैं, वो 9.3 क्लॉज जी है वो SYL की कंस्ट्रक्शन की है, 9.1 क्लॉज है एग्जिस्टिंग वाटर लैवल की है। तो असी उन्होंने कहा जी पहला 9.1 क्लॉज है जी उन तक अपलाई कर लिए, 9.3 से फिर आवेंगे SYL से, तो एग्जिस्टिंग वाटर की हले डिस्प्यूट चलता है भी कितना वाटर है, इन्ने साल वाटर डिप्लीट कर चुका है, वाटर इन्ना घट चुका है कि हिस्सा पानी का उन्होंने बनता नहीं है, उसके मुताबिक 9.3 क्लॉज से फिर आवेंगे, लेट द ट्रिब्यूनल डिसाइड या आप डिसाइड कर लिए साढ़े को पानी होएगा तो 9.3 तो SYL से आवेंगे, साढ़े को पानी है नहीं तो SYL से किदा आवेंगे। सो लीगल प्रोपोजिशन जी असी उन्होंने पुट की सी ये भी 9.3 क्लॉज तो ही आना जे वाटर का डिस्प्यूट साडा इस गल का हो जाए भी साढ़े को पानी कितना एग्जिस्टिंग, जे साढ़े को एग्जिस्टिंग एक मिनट आप जो गिणती भी करते हैं आप तीन पहला गिणते हैं ज एक पहला गिणते हैं तो 9.1 पहला गिणा जाऊगा ना, फिर ही 2 से जावे फिर 3 से जावे। ये तो मतलब मैं पंजाब का पक्ष रख के आया, उन्होंने तो नैगेटिव लगेगा, उन्होंने तो नैगेटिव लगेगा ना, जो मैं पंजाब का पक्ष रखता भी साढ़े को आया उन्होंने तो नैगेटिव लगेगा। सो असी पॉजिटिव माइंड ना गए सी, असी अफसर की टीम लैके गए सी, मैनू टिप्स तो याद है जो मर्जी पूछ लियो। हाँ उदू पहला जीटिंग होंदिया रही 3 बारी मौका आया SYL हल कर
दो बारी जो दोने थावें तिने पार्टिया की इको पार्टी सरकार सी। एक बार जो इतने अकाली दल भाजपा इतने हरियाणे तो मोदी साहब की सरकार उत्थे तिनों पार्टिया की सरकार सी उदों बह जाते नहीं बैठे। एक बारी इतने कैप्टन अमरिंदर सिंह उत्थे हरियाणे कांग्रेस की सरकार तो तहां मनमोहन सिंह की सरकार उदों तिने बैठ सकते सी नहीं बैठे क्योंकि इस मुद्दे नूं इन्हां ने वोटां वास्ते रख्या होया। वोटां वेले जिहड़े ने ओह कोड लगन तो बाद बोर्ड ला दिंदे ने पंजाबी ओह कुर्बानियां लई तैयार रहो कादे लई तैयार रहीए साडे कोले पंजाब कोले पाणी है ही नहीं जदों ते हुण तां असीं जदों असीं 73% तां आपदी धरती चों वरत रहे हां ते 28% जिहड़ा वरत भी रहे हां ओह भी कनाल जिहड़ियां ने नहरां जिहड़ियां टुट्टियां पईआं ने कोई नहर जिहड़ी है ओ उहदे च तुसीं इह बिलीव करो कि मोगे तो मैनूं लोक मिले वह कहिंदे असीं टेल ते हाँ मोगा टेल ते आ गया अद्धा पंजाब दा अद्धा है वह जे मोगा टेल ते फिर शरीर कित्थे है साडा हाँ मैं बोर नूं टेल मान लूँगा फाजिलका नूं ममदोट नूं मैं फिरोजपुर नूं टेल मान लैंदा भी उह टेल है नाल नाल बॉर्डर आ गए। मोगा तां मतलब लुधियाणे तो 60 किलोमीटर है एक टेल का मतलब ये हो गया इतों यह सिद्ध होंगे कि साढ़े को मोगे तक भी पानी पहुँचाने है नहीं नहर असी होर इधर उधर कितने कर लेंगे। पानी पहला पानी नाप लो गुंजाइशा तो फिर पैदा होने ना पानी नाप लो कोई गुंजाइश है हो सकता उस पानी नापे हुए पानी च पंजाब नूं पानी इधरों उधरों हिमाचल तो होर लेना पवे गुंजाइश तो साढ़े कोले अपनी जोगी नहीं हैगी जी असीं होर गुंजाइशां बारे किवें सोच सकते हैं। हाँ जी कौन सी मशीन नहीं वो तो पहले ही नहीं करते ने भाखड़ा का BBMB वाले भाखड़ा तो पहले ही करते ने नहीं 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 भाखड़ा का पानी नापते ने कि कितना जाता है राजस्थान में प्रॉपर पूरा पानी जाता है कोई नवी मशीन लाने बारे जो होर ये बारे कदू गल ही नहीं हुई कोई दिन ना 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 ये मतलब इस गल की मैं क्लैरिटी थोनू करनी चाहना ऑलरेडी जिन्नी भी भाखड़ा का पानी जाता उन्होंने ये जगह जगह पर BBMB उन्होंने लाए हुए ने मीटर कि कितों घटे ना ठीक है ना सो इन्हों पानी तो बिल्कुल असी इंच टू इंच दे रहे हैं पर साडा जिता जे साडा जमना च हिस्सा बनता है वह जीरो है वो कहते रिपेरियन नहीं है पहला रिपेरियन से सो जदों हरियाणा रह गया तो हरियाणा सतलुज तो ब्यास तो रावी के भी कहते रिपेरियन है कितों रिपेरियन बन जूगा किमें जी सारा किताबां तुहाडे सामने चिट्ठा रखता असीं उहनां नूं इह कहता कि भाई जिन्ना पहला जाई जांदा है उह तुसीं भाखड़ा राहीं भी लैंदे हो उधर राजस्थान नूं असीं राजस्थान फीडर राहीं दे रहे हां जदके राजस्थान फीडर जिहड़ी है राजस्थान फीडर दे नाल इक सरहंद फीडर है असी आपकी सिंचाई वेद ना करते हैं जबकि मुकाबले वह कद लंघे होंगे उधर रिपोर्टिंग करते मुकाबले एक छोटी छोटा जहा नाला लगता जिड्डी वड्डी नहर जाती दो असी सार रहे हैं सो इस करके पानी जोड़ा पंजाब लिए इस वक्त बहुत बड़ी समस्या है साडा सिर्फ नाम ही पंज आप रह गया साढ़े को धरती वाला पानी साढ़े को नहर नदियाँ कस्सिया साड़ियाँ खत्म हो गई कनाल सिस्टम सानू दोबारा रिव्यू करना पेगा वो वास्ते जल शक्ति मंत्री को असी जावे मामला रख्या भी होया पहला भी तो पंजाब को पानी है नहीं इस करके SYL नहर दे उसारी दा या निर्माण दा सोचा भी नहीं जा सकता।